पुते हुए कब्रें और नबियों के हत्यारे। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्यारे दर्शकों, आज माता कलीसिया संत अगस्तीन का पर्व मनाती है, एक ऐसे संत जिनका जीवन शुरू में बहुत ही पापमय था, बहुत ही बुरा था, लेकिन बाद में प्रभु ने जिनको छू लिया और जीवन बदल कर एक नया व्यक्ति बना दिया, बुराई को नष्ट करके अच्छाई को जीवित किया। आज का सुसमाचार जो कि अध्याय 23, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 तक लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम प्रभु येसु को सुनते आ रहे हैं कि प्रभु येसु ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कारते हैं, और उसी क्रम में आज के सुसमाचार में भी हम वही विषय देखते हैं। उनके बारे में प्रभु येसु कहते हैं कि तुम लोग पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर हैं, पुती हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर तुम्हारे अंदर गंदगी और बुरी चीज़ें भरी हुई हैं। और दूसरा जो उदाहरण प्रभु येसु या दूसरा जो धिक्कारते हैं दूसरे विषय पर, वो है कि तुम लोगों ने नबियों को मारा, नबियों पर अत्याचार किए। तो ये दो चीज़ें हम आज के सुसमाचार में देखते हैं। प्यारे दर्शकों, प्रभु येसु उन्हें पुती हुई कब्र बुलाते हैं। कब्र क्या है और कब्र के अंदर क्या होता है, आइए हम इस बात पर मनन चिंतन करें कि क्यों पुती हुई कब्र होना, या क्यों प्रभु येसु उनकी तुलना कब्रों से करते हैं। कब्र में हम जानते हैं कि मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है, और अगर हम थोड़ा सा इसका विज्ञान समझें तो जो मृत देह कब्र के अंदर दफनाई जाती है वह धीरे धीरे गलती है, सड़ती है, और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं, अम्ल होते हैं, जो हमारे देह को गलने में मदद करते हैं हमारी मृत्यु के बाद। और कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर को पूर्ण रूप से गलने में कई वर्ष तक लग सकते हैं, और उस दौरान जो शरीर की दशा होती है वो बहुत ही बुरी और दयनीय होती है। इसीलिए प्रभु उसके उन फरीसियों की, शास्त्रियों की तुलना कब्र से करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें भरी हुई हैं। वो लोग बाहर से तो धार्मिक दिखते हैं, बाहर से तो पवित्र दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पाप से भरे हैं, बुराइयों से भरे हैं। इसका हमसे क्या संबंध है, या इसका हमारे साथ क्या कनेक्शन है, हमको क्यों प्रभु येसु इसके बारे में बताते हैं, या इस संदर्भों में से प्रभु हमारे लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। हम जानते हैं हमको भी ईश्वर ने अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। हम में से कुछ लोग अध्यापक, शिक्षक हों, कुछ लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अलग अलग जीवन की जिम्मेदारियां हैं, और कभी कभी हम भी फरीसी और शास्त्रियों की तरह ढोंगी हो जाते हैं। हम बाहर से बड़े जिम्मेदार दिखते हैं, बाहर से बड़े समर्पित दिखते हैं, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर हम अपने काम से धोखेबाजी कर रहे हों, हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हों। अगर ऐसा है तो हम भी उन्हीं ढोंगी, फरीसी और शास्त्रियों के समान हैं। आइए हम प्रभु से कृपा मांगें। प्रभु ने जो हमें काम दिया है, जिम्मेदारी दी है समाज में, उसको हम पूर्ण समर्पण के साथ ईमानदारी से निभाएं, ताकि हम जो बाहर हैं वही अंदर हों, और जो अंदर हैं वही बाहर हों, और ईश्वर के सच्चे शिष्य बनकर एक आदर्श व्यक्ति बने, ताकि ईश्वर को हमें धिक्कारने की जरूरत न पड़े। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।